रक्त कणिकाएं एवं प्लाज्मा। इस वीडियो में हम सीखेंगे रक्त कणिकाओं की संरचना एवं कार्य और प्लाज्मा। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक है दीदी। अरे सवाली, ये तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? वो दीदी, कल मैं खाना बनाने में माँ की मदद कर रही थी तो सब्जी काटते समय मेरी उंगली कट गई। अरे दिखाओ, घाव ज्यादा गहरा है क्या? दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं दीदी, आज ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। कल जब उंगली कटी थी ना, तब हो रहा था। उस समय तो खून भी निकल रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खून अपने आप निकलना बंद हो गया। उसके बाद माँ ने घाव को साफ करके उस पर पट्टी लगा दी थी। अगली बार सावधानी से काम करना, और हाँ, आज इस पट्टी को भी बदलवा लेना। हाँ दीदी, मैं स्कूल से घर जाकर इसे बदलवा लूंगी। अब तुम्हारे दिमाग में कौन से सवाल चलने लगे खोजी? दीदी, मैं ये सोच रहा था कि सवाली की उंगली कटने पर खून निकल रहा था, तो बिना पट्टी किए वो अपने आप निकलना बंद कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम सभी को रक्त और उसकी विशेषताओं के बारे में समझना होगा। अच्छा, तो आज आप हमें इन्हीं के बारे में बताएंगी ना दीदी? हाँ, बच्चों, रुधिर यानी रक्त प्लाज्मा नामक एक तरल पदार्थ से बना होता है। सभी कशेरुकी जंतुओं जैसे गाय, मछली, मेंढक, बकरी, मनुष्य आदि में रक्त पाया जाता है, और कुछ अकशेरुकी जंतुओं में भी रक्त पाया जाता है, लेकिन उनमें ये लाल रंग का न होकर रंगहीन या किसी अन्य रंग का होता है। है दीदी? हाँ खोजी, जानते हो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। हैं? संयोजी ऊतक, वो क्या होता है दीदी? बच्चों, संयोजी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो विभिन्न ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके बारे में विस्तार से तुम आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। दीदी, ऊतक तो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि रक्त में भी कोशिकाएं होती होंगी, है ना दीदी? एकदम सही कहा सवाली। पता है, मनुष्य के रक्त के दो भाग होते हैं। कौन से दो भाग दीदी? रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। इनके बारे में और अच्छी तरह से बताइए ना दीदी। सबसे पहले रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, उनके बारे में बताती हूँ, ठीक है? बच्चों, हमारे रक्त का लगभग 45% भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दीदी? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इनकी संरचना कैसी होती है दीदी, और ये क्या कार्य करती हैं? बच्चों, इन सभी कणिकाओं का अपना अपना महत्व और कार्य है। अगर हम लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के आकार एवं संरचना की बात करें, तो ये अपने नाम की ही तरह लाल रंग की होती हैं। ये उभयावतल यानी गोलाकार तश्तरी के आकार की होती हैं,
और साथ ही ये दोनों ओर से पिचकी हुई होती हैं। इनमें कुछ और भी विशेष होता है क्या दीदी? हाँ खोजी, लाल रक्त कणिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी हुई और केंद्रक विहीन होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है बच्चों, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इनका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। ये शरीर के लिए क्या कार्य करती हैं दीदी? लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। इनमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, तो शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। अच्छा, और श्वेत रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं दीदी? बच्चों, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल आकार में लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी और केंद्रक युक्त होती हैं। इनका आकार अनियमित होता है और इनमें कोई वर्णक भी नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। इनका क्या कार्य होता है दीदी? श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर के लिए प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ दीदी? इसका अर्थ ये है कि ये कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हो, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं हमें बीमारियों से बचाती हैं। सही समझे खोजी। जानते हो, जब शरीर में कोई रोगाणु या परजीवी प्रवेश कर जाता है, तो शरीर की रक्षा करने के लिए इन कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही ये अशक्त और टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण भी करती हैं, ताकि रक्त की सफाई हो सके। आप कणिकाओं के अगले प्रकार के बारे में भी बताइए ना दीदी। कणिकाओं का अगला प्रकार है प्लेटलेट्स। ये छोटी केंद्रक विहीन और प्रोजेक्शंस के साथ गोलाकार होती हैं। जानते हो, 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 2 लाख से 5 लाख तक प्लेटलेट्स कणिकाएं पाई जाती हैं। सच्ची दीदी? हाँ सवाली, इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। और ये कार्य क्या करती हैं दीदी? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में सहायक होती हैं, जो चोट लगने पर रक्त स्राव यानी रक्त के बहाव को रोकने में सहायता करता है। अच्छा, तो चोट लगने पर प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त गाढ़ा होकर निकलना बंद हो जाता है ना दीदी? हाँ सवाली, एकदम सही कहा। बच्चों, अब समझते हैं मानव रक्त के दूसरे भाग यानी प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हल्का पीला, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। ये रक्त का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है। इसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये शरीर में पोषक तत्वों, हार्मोन और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। समझे ना? हाँ दीदी, हमारा रक्त तो सचमुच ही विशेष है। हाँ सवाली, तो बच्चों, ये थी रक्त की कुछ रोचक विशेषताएं। मजा आया ना कुछ नई रोचक जानकारियों को प्राप्त करके? हाँ संपर्क दीदी, बहुत मजा आया। चलो, तो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहले रक्त कणिकाओं के विभिन्न प्रकारों के नाम बताओ। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं दीदी, और उनके नाम है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं
और प्लेटलेट्स। शाबाश। अच्छा अब ये बताओ कि श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर के लिए क्या कार्य करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं दीदी, ताकि शरीर में कोई रोग उत्पन्न न हो। एकदम सही। इसके साथ ही ये अशक्त और टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, ताकि रक्त की सफाई हो सके। अब एक अंतिम सवाल, ये बताओ कि कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त का थक्का बनने में सहायता करती हैं? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में सहायता करती हैं दीदी। बहुत अच्छे बच्चों, तुम सभी ने बहुत अच्छी तरह से सभी सवालों के जवाब दिए। चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।